हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स 11 पे। सो गाइस, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एशियस टाइटन लीग का जो 115वां मुकाबला खेला जाएगा बांग्लादेश किंग्स वर्सेस मिनहाज के बीच में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको दोनों टीमों के प्लेइंग 11 साथ ही गाइस एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड निकाल कर लाया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो गाइस, बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको सारा कुछ समझ आएगा। गाइस, आपको इस वीडियो में और प्लेयर के रिकॉर्ड और साथ में बैटिंग ऑर्डर और सारा कुछ दोस्तों डिटेल में जो बताने वाला, तो गाइस बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ समझ आएगा और आप काफ़ी अच्छी जैकपॉट विनिंग इस मैच में कर पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स 11 को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आगे से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। सो नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हमारे आज के जो स्टैट्स रहने वाले थे। गाइस, यहाँ पे मैच के इन्फो की आपको पता चल चुका है, जो बांग्लादेश किंग्स वर्सेस मिनहाज के बीच में 115वां मुकाबला खेला जाना है। टाइमिंग कैसे रहेगा, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से दोस्तों रात के 9 बजे से जो मुकाबला लाइव खेलना जाना है। बाकी दोस्तों वेन्यू सेम रहेगा, मोंटेजिक ओलंपिक ग्राउंड में जो ये मुकाबला खेला जाना है। आगे की इस बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं रोजाना का अच्छी अर्निंग करना, जैकपॉट विनिंग करना हर मैच में, तो क्या करना, आपने सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो आपको लाइनअप के बाद फाइनल टीम प्रोवाइड कराई जाती है, हेड टू हेड स्मॉल लीग, साथ ही यहाँ पे आपको ग्रैंड लीग की टीम्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे गाइज आपको जो है टोटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहता है हर मैच में। तो गाइज, अगर आप चाहते हो जैकपॉट विनिंग करना रोजाना का, तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे वेदर रिपोर्ट की, तो गाइस यहाँ पे मौसम जो है थोड़ा क्लाउडी रहता है। बाकी यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो आपको 14 डिग्री या फिर 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो रात के टाइम में देखने को मिलेगा। बाकी थोड़ा सा जब चांसेस रहेगा बारिश का, वो दोस्तों रीज़न है बादल, क्योंकि बादल लगे रहते हैं तो हल्का सा चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर वेदर क्लियर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें पिच रिपोर्ट की, तो आर्टिफिशियल पिच है दोस्तों मैट फॉर्मेट, जहाँ पर क्या होता है बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा जो सपोर्ट मिलती है पिच से, और यहाँ पर बैटिंग काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि बाउंड्रीज थोड़ी छोटी है, जिससे क्या होता है बैट्समैन इजीली जो है रन बना पाते हैं। बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो दोस्तों यहाँ पर पिच जो सबसे ज़्यादा जो पेसर्स को हेल्प करती है, और यहाँ पे दोस्तों रात के टाइम की बात होता हूँ तो नमी होने के कारण यहाँ पे जब पेसर्स के अलावा दोस्तों स्पिनर को भी काफ़ी जो सेकेंड इनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है स्पिनर्स को। तो ये सब बातें अपने ध्यान में रखना है, और काफ़ी अच्छी विनिंग करना चाहते हो तो ये सब बातें आप टिप्स बता रहा हूँ वो सब अपने जो ध्यान में रखते हुए टीम बनाने हैं, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड वन साइड विनिंग आपको ईजिली हो जाएगा। फिर आगे अगर इस बात करें यहाँ पे एवरेज स्कोर, तो इस मैच में जो दोस्तों आपको यहाँ पे 130 या फिर दोस्तों 140 का जो स्कोर टोटल देखने को मिलने वाला है। बात करें मिनहाज की टीम, अगर दोस्तों मिनहाज की टीम ने पहले बैटिंग की तो इजीली आपको 140 के करीबन या फिर 140 प्लस का जो टोटल देखने को मिल सकता है इस मैच में। साथ ही बात करें चेजिंग रिकॉर्ड का, तो गाइज यहाँ पे जो है चार मुकाबले लास्ट में से पाँच में जो पाँच मुकाबले जो खेले उसमें से चार मुकाबले चेज करते टीम ने जीता है, और केवल एक बार जो लॉस हुआ है। तो गाइज ये चेजिंग रिकॉर्ड की बात होगी। आगे बढ़ते बात करते हैं टीम की परफॉर्मेंस, उसका दोस्तों यहाँ पे पोजिशनली बताऊंगा। तो यहाँ पे टीम की जैसे मिनहाज की बात करें तो लास्ट के पाँच में से दोस्तों चार मुकाबला विन किया, केवल एक मुकाबला लॉस किया है। बांग्लादेश किंग्स ने दोस्तों पहला मुकाबला विन, फिर लॉस, विन, लॉस और फिर विन, तो दोस्तों इन्होंने तीन मुकाबले विन किया, उधर चार मुकाबले विन किया। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इनके जो पॉइंट टेबल में रैंकिंग है, मिनहाज के नंबर 2 पे और बांग्लादेश किंग्स नंबर 3 पे है पॉइंट टेबल में। साथ ही बात करें इस मैच की विनिंग प्रेडिक्शन, तो यहाँ पर मिनहाज की टीम जो है फेवरेट टीम रहने वाली विनिंग के लिए। गाइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है मिनहाज की टीम, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रहती है टॉप ऑर्डर से। तो गाइस ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, तभी जो है आप काफ़ी अच्छा जो है मैच विनिंग कर पाओगे। अगर फिर बात करें तो हमारी जो प्लेइंग 11 और एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो बात करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश किंग्स की तरफ से जो प्लेइंग 11 रहने वाली इसके मैच में। तो दोस्तों लास्ट जो मुकाबला इन्होंने खेला वहाँ पर साकिल मियां ने दोस्तों 20 रन की पारी खेली, उसका दोस्तों मसूर की बात करें तो 59 रन की काफ़ी ज़बरदस्त पारी खेली थी। साथ ही अब बात करें सोफिक इस्लाम, दोस्तों बैटिंग कुछ खासा परफॉर्म बैटिंग नहीं आ पाई थी, और यहाँ पर विकेट्स दोस्तों एक निकाल कर दिया था। बात करेंगे मौसिफुर रहमान, गाइस लास्ट में मैच में जो बैटिंग नहीं मिल पाई थी और बॉलिंग में कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। साथ ही गाइस आपको बता दूं मौसीपुर जो रहमान का भी लेटेस्ट जो मैच चल रहा था दोस्तों, अभी जो पिछला मैच इन्होंने खेला यहाँ पे इन्होंने दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते 50 प्लस स्कोर जो अपना मारा था। गाइस इस मैच में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं ये प्लेयर। बात करें दोस्तों एमडी सैफुल, जो दोस्तों इनकी बैटिंग नहीं आ पाई, इसका दोस्तों साकिर मोहम्मद की बात करें तो नो बैटिंग नो बॉलिंग। आगे बात करें दोस्तों मोनील की, तो दोस्तों लास्ट मैच में दोस्तों 3 विकेट निकाला था, हुसैन एनुल ने 1 विकेट निकाला था, उसका दोस्तों सोफिकल इस्लाम, दोस्तों इनकी जो बैटिंग नहीं आ पाई थी जिसके कारण इनका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पे एमडी की, तो इन्होंने बैटिंग नहीं की थी, उसका एमडी राहुल दोस्तों बॉलिंग कराते 2 विकेट जो है टोटल निकाल के दिया था। तो गाइस यहाँ पे टोटल प्लेइंग आपको इस मैच में खेलते नजर आने वाले हैं, तो गाइस ये सारे प्लेयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही आपको गाइस यहाँ पे बता दूंगा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो रहेगा यहाँ पे दोस्तों आपके लिए रहेंगे साकिल मियां, दोस्तों यहाँ पे रहने वाले मसूद, उसका
सौफिकल इस्लाम, उसका दूसरी इनका टीम के कैप्टन जो कि रहेंगे मोसफिर रहमान, साथ ही आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बॉलिंग डिपार्टमेंट रहेंगे मोइनुल और दोस्तों साकिब मोहम्मद। तो ये टॉप सिक्स प्लेयर बताया आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले यहाँ पे बांग्लादेश किंग्स की तरफ से, जिनको अपने स्किप पर नहीं करना है। तो गाइस आगे हम बढ़ते बात कर लेंगे जो हमारी टीम रहेगी मिनहाज की, इनके साथ जो प्लेइंग 11 साथ ही एक एक प्लेयर्स का रिकॉर्ड भी है। तो गाइस ये सब आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले ओपन करते नजर आएंगे आपको यहाँ पे अवेश अहमद जो कि विकेट कीपिंग भी करके देंगे। लास्ट मैच में 298 रन का काफ़ी धमाकेदार पारी खेले थे और काफ़ी अच्छे जो हिट्स भी लगाए थे। तो ये जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच में भी रहने वाला है। उस्मान मुश्ताक की बात करें, लास्ट मैच ओपन किया था वैसे दोस्तों ये चौथे तीसरे नंबर पर जो बैटिंग करते, लेकिन लास्ट मैच में जो है ओपन किया था तो वहाँ पर इन्होंने 40 रन की पारी खेली थी। जफर इकबाल दोस्तों ओपन करते थे लेकिन दोस्तों लास्ट मैच में नहीं किए और ये तीसरे नंबर पे हो सकते हैं आपको या फिर इस मैच में दोबारा से ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं जफर इकबाल। लास्ट मैच में बैटिंग नहीं कर पाए थे। असमत भट्ट की बात करें दोस्तों, बॉलिंग बैटिंग कुछ भी नहीं कर पाए थे लास्ट मैच में, लेकिन गाइस प्लेयर काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी स्टार प्लेयर अपनी टीम की तरफ से जो कंटिन्यूसली सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देने वाली मिनहाज की टीम की तरफ से काफ़ी बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस किया इस T10 लीग में। साथ ही बात करें दोस्तों मोहम्मद उनीब शाह जो कि एक विकेट निकाला था, टीम के कैप्टन दोस्तों अमर शहजाद लास्ट मैच में एक विकेट निकाला था। वाकस परास्त की दोस्तों बॉलिंग बैटिंग नहीं आ पाई। यासिर रजाक दोस्तों बॉलिंग किया लेकिन दोस्तों कोई विकेट नहीं मिल पाया। यासिन जावेद ने दो विकेट निकाला। खालिद ने दोस्तों कोई विकेट नहीं निकाला और यासर हुसैन के भी बॉलिंग नहीं आ पाई थी। तो गाइस यहाँ पे इनके टोटल जो लास्ट मैच के आपको रिकॉर्ड बता दिया, साथ ही गाइस आपको सारे कुछ जो बैटिंग वगैरह भी डिस्कस करके बता दिया हूँ। आगे आपको बता दूँ जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे आपके लिए अवेश रहने वाले, उसका दोस्तों यहाँ पे मुश्ताक रहेंगे, उसका दोस्तों असमत भट्ट रहने वाले हैं, साथ ही गाइस यहाँ पे जो है मोहम्मद उनीब शाह रहेंगे और दोस्तों अमर शहजाद और दोस्तों यासिन जावेद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने और यहाँ पे आपके लिए जो है खालिद महमूद भी दोस्तों काफ़ी बेस्ट प्लेयर रहने वाले इस मैच में। तो दोस्तों मिनहाज की टीम का अगर फेवर में है तो दोस्तों इनके फेवर में टीम बना रहे तो ये सातों के सातों प्लेयर अपनी टीम में जरूर अपने जो है सिलेक्ट करने का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है सारे के सारे ये। साथ ही आगे बढ़ते बात कर लेते दोस्तों हमारी जो इस टीम में जो दोस्तों कॉम्बिनेशन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट वो दोस्तों रहेगा पहले नंबर पर हमारे पास असमत भट्ट और अवेश अहमद के सबसे बेस्ट सिलेक्शन रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए। अदर ऑप्शन की बात करें तो सौफिकुल इस्लाम और दोस्तों साकिब मोहम्मद। तो गाइस ये जो हमारी टोटल रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। गाइस आप इजीली क्या कर सकते हैं यहाँ पे असमत भट्ट और दोस्तों यहाँ इनके सौफिकुल के साथ या फिर अवेश या फिर इनके साथ बना सकते हैं या फिर दोस्तों असमत भट्ट के साथ क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे साकिब मोहम्मद के साथ भी जो कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो गाइस ये आपकी टोटल अपनी जो चॉइस रहेगी दोस्तों, बाकी आपको यहाँ पे टोटल में बता चुके कौन से बेस्ट रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन के लिए। साथ ही आगे बढ़ने से पहले गाइस कहना चाहूँगा अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि आप कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहे और लगातार जैकपॉट विनिंग करते रहो। सो नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों हमारी जो आज की फाइनल टीम रहने वाली ड्रीम 11 पे, तो गाइस यहाँ पे आपके लिए जो टीम मैंने पहले से तैयार करके रखा है तो सिंपली इसकी हम टीम की प्रीव्यू देखेंगे जिससे आपका टाइम बच जाएगा और काफ़ी अच्छी आपको टीम भी मिल जाएगी। सो गाइस बात करें यहाँ पे हमारी टीम के प्रिडिक्शन की, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू में दोस्तों यहाँ पे अवेश अहमद रहेंगे विकेट कीपिंग में, साथ ही यहाँ पे जो है अदर ऑप्शन रहेंगे दोस्तों एम मसूद रहेंगे बैटिंग डिपार्ट से, दोस्तों एच एनिमल रहेंगे उसका दोस्तों यहाँ पे एस इस्लाम रहेंगे, जफर इकबाल रहेंगे ऑलराउंडर से दोस्तों साकिब मोहम्मद, यू उस्मान मुश्ताक उसका दोस्तों यहाँ पे रहेंगे असमत भट्ट रहेंगे, साथ ही बॉलिंग डिपार्टमेंट से हमारे पास जो रहेंगे दोस्तों मोसिफुर रहमान ए शहजाद और दोस्तों यासिन जावेद। तो गाइस ये टोटल प्लेइंग 11 हमारी फाइनल रहने वाली, बाकी गाइस कोई प्लेयर नहीं खेलता है और कुछ चेंजेस होते हैं टीम में तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम मिल जाएगी लाइन के बाद, तो वहाँ पर आपने जरूर ज्वाइन करना है। साथ ही गाइस वहाँ पर ग्रैंडली की टीम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस मैच में, तो गाइस हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा और दोस्तों बताइएगा कि टीम हमारी कैसी लगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं तो गाइस इसके लिए एक लाइक तो बनती है इस वीडियो पे। सो लास्ट में कहना चाहूँगा अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन करके हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़ जाओ और लगातार जैकपॉट विनिंग करना स्टार्ट कर दो। सो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।